गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द चैनल बिंद्रा एस्टेट्स एंड बिल्डर्स। आज हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट दिखाने लगे हैं कि जो हमारा घर बनता है वो बनता कैसे है। आज हम आपको स्क्रैच से लेके एंड तक, जो शायद 5 से 6 महीने का ये प्रोसेस होगा कि हमारा घर एक्चुअली बनता कैसे और इसमें क्या क्या मटेरियल्स यूज होते हैं, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हम आपको दिखाएंगे। मैं आपको जो सबसे पहले दिखाऊंगा वो होता है हमारा लोकेशन एंड हमारी कंस्ट्रक्शन साइट। घर बनाने के लिए एक लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जहाँ पे हमारी रोड्स आ जाती है, हमारी कनेक्टिविटीज आ जाती है। यहाँ पे पहले से आप देखेंगे काफी सारे घर बने हुए हैं। ये प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, ये हमारा अप्रूव प्रोजेक्ट है, जो एनसी से भी अप्रूव है और बंदेरा प्रॉपर नंबर भी है। यहाँ पे जो हमें रोड्स मिलती है वो प्रॉपर 35 फीट की रोड्स मिलती है। अब मैं सबसे पहले जो आपको दिखाना चाहूंगा वो दिखाना चाहूंगा 3 चीजें जो सबसे मेन है, वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, हमारी पानी का कनेक्शन आ जाता है, हमारा सीवर का कनेक्शन आ जाता है। इलेक्ट्रिसिटी आप देख रहे हो प्रॉपर आपकी वायरिंग हुई हुई है, आपको अंडरग्राउंड वायरिंग मिलती है, कई जगह आपको नॉर्मल सिंपल वायरिंग मिलती है। जो दूसरी हमारी सबसे मेन चीज आती है वो हमारा सीवर का कनेक्शन। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा पानी का कनेक्शन। पानी का कनेक्शन देख रहे होगे, सबसे पहले हमारी एक पाइप डलती है, ये पानी जो है ये प्रॉपर एनसी से आते हैं और हमारा एक प्रॉपर खुद का बोर है यहाँ पे 700 फीट का, जो सारे घरों को सप्लाई करता है। सो इसके लिए हमने सबसे पहले हमने पाइप्स लगानी होगी, ये पाइप लगी। अब मैं आपको हमारी नीयां, सबको पता है घर बनाने से पहले एक नींव खोदी जाती है ताकि उसकी जो बेसिकली स्ट्रेंथ है वो नींव के अंदर होती है, पूरा घर उसी पे खड़ा होता है, उसका साइज होता है, कई 4.5 फीट कई 5 फीट खोदते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर 5 फीट की नींव है और जो नींव होती है वो बेसिकली रोड लेवल तक होती है एंड उससे भी हम 2 फुट ऊपर आते हैं। सो अगर मैं बात करूं ये जो नींव होगी आपकी, ये पूरी 7 फीट की नींव होगी। इसमें आप देख रहे होंगे ये प्रॉपर गटके होते हैं। गटका क्या होता है, बेसिकली एक बड़ा पत्थर होता है जो बेसिकली आपके घर को टाइट कर देता है पूरा। इसके बाद आपके सरिया लगते हैं, वो भी जो है वो हम प्रॉपर आपको प्रोसेस दिखाते रहेंगे कैसे आपका घर बनता रहेगा। जैसे मैंने आपको लोकेशन की बात की थी, मैं आप सबसे पहले आपको रोड दिखाना चाहूंगा। मैं इस रोड पे आपको लेके आया हूँ, जो बेसिकली ये जो रोड है पूरी 35 फुट की रोड है। देखो कितनी प्यारी रोड लगती है जब ये बन जाती है, जहां पे प्रॉपर आपका लॉक टाइल का काम हुआ है, आपकी प्रॉपर गेटेड सोसाइटी है, वो पूरी 7 फुट की एंट्रेंस है हमारी। यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर लॉक टाइल्स लगेगी, यहाँ पे आपका बोर्ड लगेगा हमारी सोसाइटी का जो प्रॉपर नाम है। ये हमारा सॉलिड गेट आ जाता है, इसी के साथ हमारी मेन कनेक्टिविटी आ जाती है, जो हमारी 60 फुट की रूम है जो हमारी मेन हाईवे से सीधा कनेक्टेड है और ये सिर्फ 700 से 800 मीटर अंदर जाके प्रोजेक्ट है। सो मैं आपको रोड दिखा दूंगा, कितनी प्यारी रोड है। यही एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारी कनेक्टिविटी। अगर हमारी कनेक्टिविटी हमारे हाईवे से बहुत ही नजदीक है तो वैसे ही हमारी लैंड का प्राइस बढ़ता है, हमारे घर का प्राइस बढ़ता है और लोकेशन ही मैटर करती है आज की डेट में सबसे ज्यादा। और ये जो लोकेशन है बेसिकली हमारे हाईवे से, मेन हाईवे से सिर्फ 700-800 मीटर है और जो नए पोल्स बने बिल्कुल उसके पास है ये। अब हम आपको ऐसी ही वीडियोस दिखाते रहेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था हमारी 15 से 20 वीडियोस की टोटल बनेगी और उसी के लिए आप प्लीज बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आगे जो भी वीडियोस इस प्लेलिस्ट में आपको मिले, ताकि आपको पता लगे कि स्क्रैच से लेके एंड तक कंस्ट्रक्शन होती कैसे है। क्योंकि कई हमारे इतने कस्टमर्स हैं जो कहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन कर दो, वो चाहे दूर रहते हैं, वो ट्राई सिटी में नहीं बेस होते, वो अपने आप भी कर सकते हैं सिर्फ इस 2 से 3 घंटे की वीडियो को देख के।